ये देखिए सब्जियों का ढेर। किसी को बुलाने लायक किचन हमारा नहीं है क्योंकि काम चल रहा है। मैं दाल जो बनाऊंगी ना करौंदे के साथ बनाऊंगी, और चटनी भी मैंने बना लिया है, पकौड़े भी तकरीबन फ्राई हो गए हैं। इसके लिए तगड़ी मेहनत की जरूरत है। तो घर का हालत देखिए आप कैसा, काफी प्यार दिया है। थैंक यू। वेलकम टू शारदाज वर्ल्ड। शारदा की दुनिया में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप मेरे सारे फ्रेंड्स बहुत अच्छे होंगे, मजे में होंगे। और ये देखिए सब्जियों का ढेर। सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं और बस सुबह सुबह उठ के मैं थोड़ा सा फ्रेश होके आ गई हूँ सब्जी कट करने। बहुत सारा सब्जी कट कर रखा है, परवल फ्राई, आलू का भुजिया पानी में कट करके डाल रखी हूँ, आला, धनिया पत्ता, चटनी बनेगी, ये सब पकौड़े के लिए बन रहे हैं, घिया का भी पकौड़ा बनेगा तो वो कट करने लगी हूँ, बैंगन का पकौड़ा बनेगा, कुंडलू फ्राई बनेगा। भाई यहाँ ना अरबी का पत्ता होता है उसको अंकुश बोलते हैं, उसकी सब्जी बनेगी, कढ़ी बड़ी बनेगा, दाल बनेगा। तो ये सब इतना क्यों बनेगा फ्रेंड्स? तो मेरे घर मेहमान आ रहे हैं। एक्चुअली में मेरी बहन जो है मनीषा, उनकी सास आई हुई है, उनको खाने पे बुलाया है, उसी की तैयारी चल रही है। तो सोचा सबसे पहले उठते ही सब्जी कट कर लेती हूँ, फिर ये साफ सुथरा करके फिर कुकिंग स्टार्ट करूंगी। तो सोचा ब्लॉग को स्टार्ट कर देते हैं और जैसे जैसे जो करेंगे आप उसे शेयर करते जाएंगे, क्योंकि आप सबको पता है जो सब्जी तो मैं इसी से चाकू से एक दो सब्जी कट कर पाऊंगी, बाकी इतना सब्जी तो मैं इसी से कट कर पाती हूँ बैठ के आराम से इत्मीनान से। तो सोचा ये काम पहले निपटा लेती हूँ और फिर ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। आगे आगे जो करेंगे आप उसे शेयर करते जाएंगे। यहाँ पर दाल को मैं भूनने लगी हूँ। अरहर की दाल हमारे यहाँ ना भून के ही बनाते हैं रोस्ट करके, और खटाई के लिए आज मैं डालूंगी इसमें करौंदा। और यहाँ पर बन रही है उसका ओट्स, अच्छी तरह से मैंने उसको मैश कर दिया है खजूर को, ओट्स और पानी के साथ पका लूंगी, फिर इसमें दूध डाल के पका लूंगी, चीनी में उसको नहीं देती हूँ। और ये रहा हमारा सारा कट सब्जी, ये सारा सब्जी है। तो किचन में काम चल रहा है, ये देखिए पूरा कैसा हुआ पड़ा है इस साइड। अभी ऐसी हालत है ना किचन की, किसी को बुलाने लायक किचन हमारा नहीं है क्योंकि काम चल रहा है। लेकिन एक दिन के लिए मैंने काम वाले भैया को छुट्टी दी है क्योंकि पुतली की जो सास है ना शायद ज्यादा दिन नहीं रहेंगी, तो सोचा जो मैं उनको पहले खिला देती हूँ, ये काम तो होता रहेगा। तो किचन बिल्कुल उल्टा पुल्टा हुआ पड़ा है, सारा बर्तन निकाल के यहाँ वहाँ वहाँ, ये देखिए खिड़की पे पूरा इस साइड का पूरा बन रहा है ना, तो बिखरा पड़ा है। इसी हालत में किसी तरह से इतना छोटा सा स्पेस है उसी में कुकिंग कर रही हूँ मैं। तो प्लीज किचन को इग्नोर करना और मेरे हुलियों को भी इग्नोर करना। किचन में बहुत गर्मी है तो मुझे नाइटी में ज्यादा इजी लगता है। तो आज मैं दाल जो बनाऊंगी ना करौंदे के साथ बनाऊंगी, करौंदा भी सीजन में है तो खटाई के लिए मैं थोड़ा सा टमाटर और करौंदा दोनों डालूंगी। आप सब में से कौन कौन दाल बनाते हो करौंदा के साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करना, और करौंदा की कौन कौन सी रेसिपी और बनाते हो ये भी बताना। मेरा ब्लॉग, मेरा रेसिपी कुछ भी अच्छा लगता है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। अगर नए हो आप सब और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरा इंस्टाग्राम पेज है शारदाज वर्ल्ड के नाम से ही है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक डाल दूंगी, उसको भी फॉलो कर लेना। उस पर भी बहुत सारे मैं शॉर्ट्स डालती हूँ रेसिपीज के भी, और अपना हम दोनों हम बच्चों के साथ हस्बैंड के साथ डांस का भी। तो चलिए फ्रेंड्स फटाफट से मैं दाल चढ़ाती हूँ, इधर भुजिया फ्राई होने के लिए चढ़ाऊंगी। भुजिया तो कई बार आप सबसे रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ। हमारे यहाँ कोई भी क्या कहते हैं, कोई भी दावत होता है, कोई भी थाली बनती है दाल चावल की ना, तो भुजिया 3-4 तरह की मस्ट ही है और कुछ भी नहीं। बस मेथी, सूखी लाल मिर्च, हींग का तड़का डालो, सब्जी डालो, नमक हल्दी के साथ फ्राई कर लो। बस चाहो तो थोड़ा बहुत लाल मिर्च पाउडर डाल सकते हो। तो वही सिंपल सिंपल भुजिया बनेगा। और पकौड़ा बहुत सारा बनने वाला है, घिया का बनेगा, ये बैगन का बनेगा, कच्चा केला का बनेगा, आलू का बनेगा, मिर्ची का बनेगा। और बनेगा किसमें, तो ये देखिए, ये देखिए, ये मैंने ना चावल भिगो रखा है, थोड़ा सा इसमें चना दाल भी डाल दिया है। ये देखिए चावल और चना दाल को, मतलब जैसे 1.5 कटोरा चावल था ना तो 1/4 कटोरा मैंने चना दाल डाल दिया था, सो कर दिया था। इसको पीस लूंगी, इसमें हींग, खसखस और लाल मिर्च, सॉरी इसको मैं हरी मिर्च के साथ पीसूंगी। अगर लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मेरे यहाँ जो आज गेस्ट आ रहे हैं ना वो लहसुन प्याज नहीं खाते हैं, तो सारा खाना मैं बिना नो ऑनियन नो गार्लिक ही बना रही हूँ, तो इसमें भी लहसुन नहीं जाएगा। वैसे मैं लहसुन के साथ पीसती हूँ, तो आज मैं हरी मिर्च के साथ इसका पेस्ट बना लूंगी और फिर इसमें नमक, हल्दी, खसखस, साबुत खसखस डाल के प्यूरी बना के फिर उसमें पकौड़ा फ्राई करूंगी। यहाँ पर तेल में मैंने मेथी और थोड़ा सब्जी ज़्यादा बना रही हूँ फ्रेंड्स। सारी सब्जी आपको ज़्यादा दिखेंगे क्योंकि मेरी बहन रहती है बगल में, उस
वो भी आएगी और एक दो फ्रेंड्स को भी देना होता है। तो ये देखिए ढेर सारा मैंने आलू भुजिया बनाया था। तो तेल में सूखी मिर्च, मेथी, हींग का तड़का ऐड कर दिया था। छिलका के साथ ही मैंने आलू कट कर लिया था, ये लाल वाला आलू है। इसका भुजिया बहुत ही मज़े का लगता है फ्रेंड्स, और छिलका के साथ बना के देखना। और मैं आलू भुजिया में थोड़ा लाल मिर्च पाउडर भी ऐड करती हूँ, लेकिन मानस एक्चुअली में दाल चावल और आलू भुजिया ही खाएगा, इसलिए मैंने मिर्च पाउडर नहीं ऐड किए थे। आप थोड़ा मिर्च पाउडर ऐड कर सकते हो। यहाँ पर ये देखिए सारी सब्जी कट करके रखे हैं और चटनी भी मैंने बना लिया है। चावल दो बर्तन में आप सबको दिख रहा होगा, क्योंकि एक ही बर्तन में बना रही थी लेकिन ज़्यादा हो गया था तो जल्दबाजी में छोटा बर्तन ले ली थी, तो दो साइड मैंने चढ़ा दिया है। ये सारा कुछ मैंने एक रात पहले ही बना लिया था, बस पीसेज कट करके फ्राई करूँगी। सरसों, खसखस, जीरा, लौंग का पहले प्यूरी बना लेंगे। तो जब भी मैं इस तरह का मसाला पीसती हूँ फ्रेंड्स, तो पहले ड्राई उसको ग्राइंड कर लेती हूँ। सरसों, खसखस खास करके जब भी पीसना होता है तो पहले ड्राई ग्राइंड कर लेती हूँ, फिर पानी ऐड करके पीसेंगे तो फाइन सा पेस्ट बनेगा। तो यहाँ पर पीसेज कट करके रोल मैंने बेसन के साथ पहले ही बना लिया था, एक दिन पहले बना के फ्रिज में रख लिया था स्टीम करके। बस पीसेज में कट करके डीप फ्राई करना है। और एक्चुअली में यहाँ तो मैंने अरबी पत्ते के साथ बनाया था। हमारे बिहार में अरबी पत्ता से एक अलग पत्ता मिलता है जिसे हम लोग एरकोच कहते हैं, उसका तो टेस्ट ही कुछ अलग होता है। लेकिन इसी तरह से हम बनाते हैं। फ्राई करने के बाद थोड़ा सा नींबू का जूस ऐड कर दिया था, क्योंकि गले को काटता है। अरबी पत्ता तो थोड़ा कम काटता है, लेकिन बिहार में जो आप सबसे शेयर किया ना एरकोच होता है, उसमें तो ज़्यादा खटाई की ज़रूरत पड़ती है। तो लेमन जूस ऐड करने के बाद यहाँ पर मैंने मेथी, जीरा का तड़का ऐड करके थोड़ा बड़ी इलायची का भी तड़का दिया था मैंने, तेजपत्ता, सूखी मिर्च ऐड कर दिया था। तड़का जब क्रैकल हो गया तो मैंने जो सरसों, खसखस, जीरा, लौंग का पेस्ट बनाया था उसमें थोड़ा सा काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ऐड कर दिए थे, उसको ऐड कर दिया। हल्दी ऐड कर दिया, नमक ऐड कर दिया और अच्छी तरह से मसाला के तेल छोड़ने तक भूनना है। हींग ऐड करना मैं भूल गई थी, स्टार्टिंग में ही ऐड करना था तड़का में, तो अभी मैंने ऐड कर दिया है। और जब मसाला अच्छी तरह से तेल छोड़ देगा ना, फिर ग्रेवी ऐड करना है। और ग्रेवी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा जाएगा, क्योंकि आप सबने देखा जो बहुत ज़्यादा है अरकंचन के स्लाइसेज, और इस ये बेसन से बना होता है तो पानी को बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेता है। तो ग्रेवी थोड़ा मैंने ऐड कर दिया था ज़्यादा। उबाल आने के बाद फिर मैं पीसेज ऐड करूँगी। यहाँ पर फटाफट से लेट हो रहा था तो पकौड़े भी फ्राई मैं करने लगी थी साथ के साथ, सोचा एक बार फ्राई करके रख देती हूँ और जब आएंगे ना मेहमान तो उस टाइम फिर अगेन एक बार फ्राई कर दूंगी, तो जल्दी हो जाएगा। घिया, बैगन, कच्चा केला, बहुत सारा पकौड़ा फ्राई करना था मुझे, तो साथ के साथ पकौड़े भी फ्राई करने लगी थी। यहाँ उबाल आ गया तो इसमें सारे पीसेज को ऐड कर दिया और ढक के दम पे स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट तक पका लेना है। और सारे पकौड़े भी तकरीबन फ्राई हो गए हैं, बस एक चीज़ बनाना रहता है। अब भुजिया में मैंने आलू, परवल, कुंडरू, भिंडी इन सब के भुजिया बनाए थे जो आप सबसे शेयर नहीं किया है। अब तैयारी चल रही है बिहार स्टाइल बड़ी की, जिसके लिए तगड़े मेहनत की जरूरत है। ये देखिए फेट रही हूँ, ये हमारा लास्ट डिश बन रहा है राइट बनेगा। अब बज गया 12 ना, 12:30 को आ रही है। नहीं 11:25 हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं, 25 हो रहे हैं, 45 हो रहे हैं मामा शायद। और फ्रेंड्स उसके बाद मैंने कोई क्लिप नहीं बनाया था। ये थी थाली, गेस्ट मेन्यू थाली। आप सबको कैसी लगी शेयर जरूर करना। और ये है नेक्स्ट डे का क्लिप फ्रेंड्स, जैसा देख सकते हो घर का हालत देखिए आप, कैसा उथल पुथल हुआ पड़ा है सारा घर। कल भी जो मैंने मेहमान के लिए खाना बनाया था ना, बड़ी मुश्किल से बनाया था, क्योंकि 3-4 दिन से काम चल रहा है तो पूरा किचन बिगड़ा पड़ा हुआ है। बस थोड़े दूर साफ करके बस किसी तरह से मैंने खाना बनाया था। अब देख सकते हैं क्या हाल हुआ पड़ा है। तकरीबन 1 महीने पहले आप सबसे शेयर किया था, इस साइड मेरा किचन कैबिनेट जो था ना वो सीलन से अचानक से गिर के टूट गया था, तो दोबारा से बन नहीं पाया था, भैया लोगों को फुर्सत नहीं हो रहा था। तो अभी आए हैं 2-3 दिन पहले, तो वही काम चल रहा है फ्रेंड्स। घर की हालत जो है ना बिल्कुल बिल्कुल बिखरी हुई पड़ी हुई है, और न खाने का ठिकान न पीने का ठिकान। सुबह सुबह ही उठ के मानस का खिचड़ी बना दिया था तो उसको खा के भेज दिया मम्मी के पास, खा के खिला के, और हम लोग भूखे पड़े हैं। कल का ही खाना पड़ा हुआ है फ्रिज में, तो जैसे ये भैया लोग जाएंगे रोटी खाने तो बीच में हम लोग भी खा लेंगे, और बस ऐसे चल रहा है आजकल काम। हेलो आई छे ना ठीक छे, हमार आगे रोड पर लगा ना, अपने पास तक रोड रोड ना पैन रुको ऑटो वाला करके 5 मिनट लेट आएंगे, पानी थोड़ा यो सोचने ये के के 3 मिनट तक कौन है के के क्लास छोड़ हां हमारे के 3 से 4 हो चले 3 लेकिन 2 बजे तक लगभग काम होगा। कोनो पाइ बंदी में ओ तो बस तो देवी से वो कोनो पाइ बंदी में खा ली छे। हां वो हां करने
ये क्लिप्स शाम के हैं फ्रेंड्स, जब मजदूर काम करके चला गया तो हम लोग लोगों ने सोचा चलो छतरपुर मंदिर होके आते हैं, क्योंकि पुतली की मेरी बहन जो है ना मनीषा है, उसे हम लोग प्यार से पुतली बोलते हैं, उसकी सास आई हुई है, तो कहीं ना कहीं तो घुमाना बनता है। और मैं इतना ये काम के चक्कर में बिजी चल रही हूँ, जो दूर का जैसे कालकाजी मंदिर या कोई और मंदिर ले जाती तो बहुत दूर पड़ता, छतरपुर थोड़ा हमारे घर से पास में है, तो हम लोग वहीं उनको लेके आ गए थे, सोचा एक मंदिर तो कम से कम घुमा दो, तो वहीं पर मंदिर आ गए थे। और यहाँ पर ऐसा संयोग था, थोड़ा लेट से चले थे ना, तो बिल्कुल आरती के टाइम पहुँचे थे, तो मज़ा आ गया था, हमने आरती भी किए थे। आरती करने के बाद फिर यहाँ छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर हैं, उन सब में हमने प्रणाम किया। और इस मंदिर के बगल में भी एक बहुत बड़ा मंदिर है, जो लोग छतरपुर आए होंगे उन सबको पता होगा। तो यहाँ दर्शन करने के बाद फिर हम लोग वहाँ चले गए थे, लेकिन ज़्यादा वहाँ नहीं घूम पाए क्योंकि आते आते काफ़ी रात हो गया था, बच्चे छोटे हैं सोने लगे थे, तो फिर हम ज़्यादा नहीं घूम पाए थे। तो फिर दर्शन करने के बाद हम लोग वापस घर को चले गए थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा था, सब फैमिली मिल के हमने आज एक अच्छा सा इवनिंग जो बोलते हैं ना स्पेंड किया। वहाँ से दर्शन करने के बाद फिर हम लोग चले आए थे वापस घर के तरफ, मतलब अपने जहाँ रहते हैं द्वारका उधर आ गए थे। और रात काफ़ी हो गई थी आते आते, क्योंकि ऑफिस का टाइम आने टाइम पड़ता है ना, तो बहुत जाम ही जाम मिल रहा था, बहुत जाम था। तो काफ़ी लेट हो गया था, तो हमने सोचा चलो बाहर ही खा लेते हैं। तो आप सबको पता है या मैं कई बार आ चुकी हूँ, ये है कैफ़े अनकवर, यहाँ का खाना हम लोगों को बहुत पसंद है। तो यहाँ पर आ गए थे और यहाँ पर हमने एक अच्छा सा क्या कहते हैं इवनिंग टाइम स्पेंड किया, हमने स्नैक्स लिए थे, फिर ड्रिंक्स, खाना पीना, जो क्लिप बनाना मैं भूल गई, बातचीत में मैं बिजी हो गई, सारा क्लिप बनाना भूल गई। और आज का ब्लॉग भी मैं यहीं पे एंड कर देती हूँ फ्रेंड्स। अगर मेरे रेसिपीज, मेरे ब्लॉग्स थोड़े भी अच्छे लगते हैं फ्रेंड्स, तो प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, अपने फैमिली और फ्रेंड्स में शेयर ज़रूर करना। आप सबने हमारे बिहार वाले ब्लॉग को काफ़ी प्यार दिया है, थैंक यू। बहुत जल्द मैं फिर से बिहार जाऊँगी और कहीं कहीं हम घूमने जाने वाले हैं, सारे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स आएंगे फ्रेंड्स। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, प्लीज़ सब्सक्राइब करना मत भूलना फ्रेंड्स। बाय। Even if you try